कि मैं अपनी महिला सीट है कि महिलाओं को अपनी सामने आने के लिए कहूँ कि अपनी उनकी बातें करूँ कि किस चीज़ की उन्हें प्रॉब्लम है। भारत माता की जय। वहाँ पे सड़कें नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स अच्छे नहीं है, स्कूल्स में बिल्कुल बिल्डिंग खराब है, रास्ते पानी नाली स्वस्थ पानी भी नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं वहाँ पे। नमस्कार, मैं प्रवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त मौजूद हैं जिला पंचायत कार्यालय में, अलग अलग क्षेत्र से लोग आकर अपना यहाँ पे नामांकन भर रहे हैं। वार्ड नंबर 27 से महक राणा जी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे किन मुद्दों को लेकर के अपना चुनाव लड़ रही हैं क्षेत्र में। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगी, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरा यही रहेगा कि मैं अपनी महिला सीट है कि महिलाओं को अपनी सामने आने के लिए कहूँ कि अपनी उनकी बातें करूँ कि किस चीज़ की उन्हें प्रॉब्लम है, पहले उनकी सुनते हैं फिर उनके लिए जो भी हम पे हो पाएगा। आप पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में घूमी, आपको किस तरीके की दिक्कतें नज़र आई हैं अभी तक? वहाँ पे सड़कें नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स अच्छे नहीं है, स्कूल्स में बिल्कुल बिल्डिंग खराब है, रास्ते पानी नाली स्वस्थ पानी भी नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं वहाँ पे। क्या लगता है जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं आप? वो तो आप देख सकते हैं, जीतूंगी। 100% सबका आशीर्वाद होगा। तो और देखिए, जैसे कि आप सबकी तरह वादे करेंगे जीतने के बाद, आप जनता के लिए जीतने के बाद काम भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मुख्य कार्य जो आपको लग रहा है कि जीतने के बाद में बिल्कुल कराने के लिए, मतलब अंदर से होता है राजनीति में जो भी इंसान उतरता है कि बिल्कुल ये काम में एकदम कराकर ही मानूंगी, तो वो कैसे क्या काम है? सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र और अपनी महिलाओं के लिए सबसे पहले एक महिला सीट दी है। आप महिला हैं कहीं ना कहीं, क्या मुख्य महिला के लिए आपको क्या लगता है कि मुख्य क्या महिला के लिए काम कराना चाहिए? महिलाओं के लिए कुछ स्वास्थ्य केंद्र, जैसे अब हमारे महिलाओं का रोजगार होगा। अब देखिए, मैं घूमेंगे, सबकी प्रॉब्लम सुनेंगे कि क्या क्या निकलती हैं, सबसे बातचीत होगी तो सही तो उस पर पता चलेगा। देखिए, महक राणा जी का साफ तौर से कहना है कि जीतने के बाद कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता के लिए काम करूंगी और करती भी आई हूँ अभी तक। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क हरिद्वार।